ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ हिंदू कम्युनिटी की शादी पर। तो आज मैं आपको इनका रस्म और रवाज दिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो ओल्ड कल्चर है शादियों के रस्म और रवाज, वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ हिंदू अभी भी हैं जो अपनी पुराने रस्म और रवाज हैं उनको अभी तक उन्होंने जारी रखा हुआ है। तो आज मैं आपको इनके सारे रस्म और रवाज दिखाऊंगा कि इनकी शादी किस तरह से होती है। अभी जो है ना बारात इनकी आई हुई है, बारात कल रात इनकी आई थी, अब सुबह इन्होंने वापस जाना है। लड़की की शादी है जिस पर हम आए हैं। तो आज आपको दिखाएंगे कि एक हिंदू फैमिली अपनी लड़कियों की शादियां किस तरह से करती हैं, इनकी बारातें किस तरह से आती हैं और बारातें वापस किस तरह से जाती हैं, और इनके क्या क्या रस्म और रवाज हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। तो नाज़रीन ये ट्राली ट्रैक्टर है जिस पर ये लोग बारात लेकर आए थे। तो रात इन्होंने इधर स्टे किया है, तो अभी सुबह इनके जो भी रस्म और रवाज हैं वो अपने कर रहे हैं। उसके बाद रस्म और रवाज ख़त्म होने के बाद जो है ना इनकी बारात वापस जाएगी। तो अभी जो है ना सलामी की रस्म जो है वो की जा रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब लड़के वालों ने बारात वापस लेकर जानी होती है तो वो लड़की वालों से पूछते हैं कि आप राजी हो, आपकी रजामंदी है, तो उनसे इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद इनकी कुछ सलामी वगैरह होती है, एक दूसरे को पैसे वगैरह देते हैं, उसके बाद जो है इनकी बारात रवाना हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं सामने इनका दूल्हा बैठा हुआ है, तो इन्होंने सलामी के पैसे लिए हैं। ये देखें जी, शादी होने के बाद ये जो ना मीठा बांटते हैं, तो इनके पास इन्हें पतासे और छुआरे कह लें, तो ये तकसीम किए जा रहे हैं। तो हर बंदे को थोड़ा थोड़ा मीठा दिया जा रहा है शादी की खुशी में। ये जो मिठाई होती है ये लड़के वाले लेकर आते हैं और लड़की वालों को ये खुशी में बांटते हैं। तो जी मैं आपको दूल्हा भी दिखाता हूँ। तो ये दूल्हा जो है लड़की के वाले साहब से मिल रहे हैं, तो अभी जो इनकी जो रस्में जो जो भी होंगी वो मैं दिखाऊंगा। बैठा है माटी का भाई, निकल भाई।
चाचा जी, ये जो रस्म अभी हुई है, लड़का जिससे मिला है वो कौन है, लड़के का क्या लगता है और ये क्या लगता है? अच्छा, दादा उनसे आशीर्वाद लिया है जिसे आप कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या इनकी रस्म होगी जी? ये मिल रहे हैं अभी, ये जैसे तो आप मिलते हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब मिलते हैं सर झुका कर, दूसरे मिला जाता है उसके बाद फिर। अच्छा भैया, आप दूल्हे के भाई हैं जी? क्या नाम है जी आपका? तेजाराम। तेजाराम, अच्छा दूल्हा आपका बड़ा भाई छोटा भाई है? छोटा भाई। अच्छा छोटा भाई है, आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई। ठीक है, माशाल्लाह से आप भी काफी सजे हुए हैं, तो सड़वा लेते आप? सड़वा लो फ्रेंड नाल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो ये जी दूल्हे का भाई है, तो ये जी है सड़वाले भाई, तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी काफी इनके पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा चाचा जी, दूल्हे ने सारे नु मिलना हुंदा जी? जी, जेड़े प्यार दिया ये साडे प्रात नाल, दूल्हा खुद जा एक एक बंदे को जाके मिलेगा, मिलेगा। ते ए तुसी क्यों नहीं जाके मिलदे दूल्हे नु? समझ जाके मिलना चाहिए था। आज वो दूल्हा है ना, आज वो नहीं मिलना। अच्छा, ओने मिलेगा, अदब करदा है। अच्छा अच्छा, वो अदब कर रहा है बड़े। ठीक, तो ये देखिए जी, इनकी ये रस्म है, दूल्हा जो है ना खुद एक एक बंदे के पास जाकर उनसे मुलाकात कर रहा है। तो इनमें कुछ इनके रिश्तेदार, कोई फूफा चाचू, इस तरह के सारे ये आपस में रिश्तेदार ही हैं, तो ये इनका रस्म और रिवाज है। तो शादी होने के बाद जो है ना दूल्हा हर एक के पास जा जाकर उनके गले लगता है। तो ये हैं जी दूल्हा भाई, और ये इनकी रवायती स्टिक भी इसके पास है। तो ये जी है इनका कल्चर, जिन दिन से दूल्हा मिलता है फिर वो पैसे देते हैं, वो ये सड़वाला है इसका इनका पीछे, तो वो ये इकट्ठे करता जा रहा है। ये देखे, अब इस चाचा से इसे मिला है दूल्हा, तो अब ये पैसे निकाल के देने लगे हैं सड़वाले को। ये देखे, तो मैंने आपको इनके सारे रस्म और रिवाज दिखाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दूल्हा दिखाया कि हर बंदे एक एक के पास जाकर वो सबसे मुलाकात कर रहा है। तो हम भी दूल्हे साहब से मिलते हैं और उन्हें हैप्पी मैरिज कहते हैं, शादी की मुबारकबाद देते हैं। तो सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की, और आपकी जिंदगी जो है ना अच्छी गुजरे, खुशियों भरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। तो नाज़रीन, इस जगह पर जो है ना बारात के खाने के लिए इंतजाम किया गया, तो ये आप देख सकते हैं 3-4 जगह इधर पकी हुई है, बाकी वो इधर शादी वालों का घर है लड़की वालों का, तो उधर उनकी फैमिलीज वगैरह है, तो ये इधर इंतजाम किया जा रहा है जी उनके खाने का। 3-4 जगह पक चुकी हैं और बाकी ये इधर मिर्च टमाटर मसाले वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। देखें, तो वो भी जो आप सामने आदमी लोग बैठे देख रहे हैं वो भी बराती हैं, तो उनको उधर छांव में बिठा दिया गया है जी, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट इनके जो भी रस्म रिवाज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी खाना पककर तैयार हो चुका है और बारात को खाना पेश किया जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खाना जो है इधर पहुँच चुका है। मैं दिखाता हूँ जी बारात को अब खाना दिया जाएगा, फिर खाना खाने के बाद इनके कुछ रस्म और रिवाज होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें जी, अभी खाना खुल चुका है। हर बंदे को एक एक प्लेट दी जाएगी, दूल्हे साहब को भी यही खाना दिया जाएगा। देखें जी, एक प्लेट दूल्हे साहब के पास भी आ चुकी है, और ये है जी हिंदू कम्युनिटी का दूल्हा। थोड़ा सा डिफरेंस है, दूल्हे के लिए ना स्पेशल 2 चेयर्स और 1 टेबल लगाया गया है, बाकी जैसे दूसरी बारात को खाना दिया गया है वैसे ही इनको दिया गया है। पानी का टब भी आ चुका है, एक टब में चावल है और दूसरे में पानी आ चुका है, तो इधर से इनको जग भर भर के पानी भी पिलाया जाएगा। वो सामने आप टेंट देख सकते हैं, तो उधर शादी है, तो इधर साथ ही टूवल चल रहा है, तो बच्चे इधर देखे शादी से
खाना वगैरह खा के इधर आ गए हैं, पानी वगैरह पीने और नहा रहे हैं इधर। तो देखिए कितना खुश है। तो गांव वालों की यही बात है, बेशक साथ में शादी है और साथ साथ उनका काम भी चल रहा है, टूबल भी चल रहा है और नहा धो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और काम भी हो रहा है साथ साथ। मुर्गी के शोरे में चले चूरी कोट गया, चूरी मुर्गी के शोरे में जा रहे हैं, चूरी कोट के। चावल नहीं खाते? चावल नहीं खाते। अच्छा, वो की वजह? नहीं, चावल रोके। अच्छा, चावल रोके हुए इस करके मुर्गी के शोरे रोटी खा रहे हैं। नादरीन, ये इनका बारात का सामान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दुल्हन वाले जो है ना, इन्हें देते हैं दूल्हे वालों को। तो जब ये बारात जाएगी तो ये सामान भी जो है ना सारा साथ जाएगा। तो ये बर्तन हैं इधर, काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए हैं और वो आप देख सकते हैं, वो बिस्तर हैं और कुछ पेटियां, ट्रंक्स और वॉशिंग मशीन है जी। तो काफ़ी बर्तन वगैरह इन्होंने सामान, दहेज, इसे दहेज आप कह लें तो दहेज दिया जाता है जी। तो ये बारात अब वापसी जाने लगी है। तो ये देखें, इन्होंने ट्राली ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट कर लिया है। अब इसे छांव में खड़ा करने लगे हैं कि धूप की वजह से ये काफी गर्म हो चुका था, तो ये थोड़ी देर ठंडा होगा। तो टेंट के नीचे इसे खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना इनकी बारात जो है ना ट्राली ट्रैक्टर पर रवाना होगी। वो जो मैंने पीछे आपको सामान दिखाया ना, इनका दाज, तो वो भी इसके अंदर लोड होगा और जो इनकी पब्लिक बारात के साथ आई हुई है वो भी इसी ट्राली ट्रैक्टर में लोड होकर वापिस जाएगी जी। तो दुल्हन भी शायद कोई कार वगैरह हो या दिल करे वो भी इसी ट्राली ट्रैक्टर में जाए। ये दूल्हे को तैयार किया जा रहा है, तो अभी दूल्हे की तैयारी फिर से दोबारा से शुरू की जाएगी। अब तैयार किया जाएगा, अब लड़की वालों के घर से बिठाया जाएगा, फिर उनकी कुछ छोटी मोटी रस्में होंगी वो की जाएंगी, उसके बाद फिर जो है ना बारात जो है वो रवाना कर दी जाएगी इनकी। तो ये देखें, अब इसकी दोबारा से तैयारी शुरू हो गई है। तो ये जी कल्चर है, पगड़ी ऊपर बांधी जाती है, हार वगैरह पहनाए जाते हैं, ये हार पहनाया जाएगा। तो ये देखिए जी, दूल्हे को तैयार कर दिया गया है। तो इनके हाथ में ये आप स्टिक देख सकते हैं, ये रवायती स्टिक है, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार किया जाता है। तो ये दूल्हा जो है ना इसे अपने हाथ में पकड़ता है, तो अब काफी हार शार लगा दी है, सज गया है और हाथ में स्टिक भी पकड़ ली है। तो अब ये जाएंगे जी उधर दुल्हन के घर, तो उधर जो इनकी रस्में होंगी उसको करने के बाद फिर जो है ना बारात रवाना हो जाएगी। जी दूल्हे को भी साथ उन्होंने ट्रैक्टर पर बिठा लिया। तो ये देखें, अभी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ना इन्होंने ऊपर बैठाया है, तो ये इनकी कोई रस्म वगैरह नहीं है, वैसे ही बैठे अपने शौक के साथ। ठीक है तू आ रहा है। दूल्हे भाई के पैसे पूरे हो गए हैं, अब उसे उतार दिया गया जी। दूल्हे को तैयार करके अब जा रहे हैं जी दुल्हन के घर, तो चले चलते हैं इनके साथ साथ। ये इनकी रस्में होती हैं काफी, ये कल रात के आए हुए हैं, रात इन्होंने इधर स्टे किए, अभी तकरीबन 1-2 बज रहे हैं। 1-2 बजे पहले इन्होंने बरातियों को खाना खिलाया, चावल खिलाया, उसके बाद अब जो है दूल्हे को दोबारा रेडी किया गया है और अब जा रहे हैं जी दुल्हन के घर, रस्म और रिवाज जो है ना, बाकी जो रस्म और रिवाज उनको करने के लिए। तो नाज़रीन, आज हम सुबह से इधर आए थे हिंदू कम्युनिटी की शादी आपको दिखाने के लिए। तो अभी तकरीबन 1-2 बज रहे हैं, तो जैसे कि हमने आपको इनकी जो भी तैयारियां थी रस्म और रिवाज सारे दिखाए हैं। अभी जो दूल्हा तैयार होकर इनके लड़की वालों के घर गया है, अब उनके उधर कोई रस्म और रिवाज किए जाएंगे, हमें उधर की इजाज़त नहीं मिली, इस वजह से हमने आपको बाकी जो शादी इनका रस्म और रिवाज सारा कवर कर दिया है। ये ट्राली ट्रैक्टर भी हमने आपको दिखाएंगे, इस पर जो इनकी बारात वापसी पर जाएगी, अभी उसको तकरीबन 2-3 घंटे देर है, तो वो हम सीन कवर नहीं कर सकेंगे यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।